नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 8th of मार्च है, मींस विमेंस डे। सो वेरी हैप्पी विमेंस डे टू ऑल लेडीज हियर एंड ऑफ कोर्स जेंटलमैन, जो सपोर्ट करते हैं अपने आसपास की महिलाओं को एक बिग बोन की तरह, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह। दोस्तों, आज महिलाओं का दिन है, इसलिए हम मेंसेस के दौरान महिलाओं में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम पेनफुल पीरियड्स, उनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिसमेनोरिया भी कहते हैं, कई लोग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहते हैं, और यदि मैं हिंदी में बोलना चाहूं तो महावारी के दौरान होने वाला पेट में दर्द, हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, लगभग 80% महिलाओं में पेट में दर्द महावारी के दौरान होता ही है, लेकिन 5-10% महिलाओं में ये इतना सीवियर हो जाता है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट या मेडिकेशन की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिसमेनोरिया या पेनफुल पीरियड क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, और नेचुरली हम इसको कैसे, इससे आराम पा सकते हैं, और यदि थोड़ा सीवियर हुआ तो व्हाट इज मींस क्या इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब महिलाओं में मेंसेस के 3-4 दिन पहले से और मेंसेस के दौरान उसके पेल्विक रीजन में, मींस पेट के नीचे वाले हिस्से में, थाइस में और कमर में पेन होता है, तो इसे हम डिसमेनोरिया कहते हैं। लेकिन किसी किसी फीमेल में यह पेन इतना ज्यादा होता है कि वो अपने काम पर नहीं जा पाती और उनको घर के काम करने में भी परेशानी होती है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी यूट्रस या बच्चादानी के अंदर की लेयर में एक नेचुरल केमिकल बनता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिंस कहते हैं। ये हमारे यूट्रस की वॉल में एक कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है जिससे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो जब ये कॉन्ट्रेक्शन पैदा करने वाला जो एक केमिकल है वो रिलीज होता है, तो पेशेंट को कमर में, पीठ में, उसके लोअर एब्डोमेन में और उसके थाइस में पेन होता है। जब यह पेन किसी बीमारी के साथ, कॉम्प्लिकेशंस के साथ नहीं होता है, तो इसे हम प्राइमरी डिसमेनोरिया कहते हैं। जब पेशेंट में यूट्रस से संबंधित किसी बीमारी के कारण, जैसे कि यूट्रस में गठान हो जाना, बहुत हेवी फ्लो होना, फ्लो में क्लॉट्स निकलना या एंडोमेट्रोसिस के कारण यदि पेशेंट को इस तरह का दर्द होता है, तो उसे सेकेंडरी डिसमेनोरिया कहते हैं। यदि अब मैं यहाँ इसके सिम्टम्स की बात करूं, तो मेनली तो पेशेंट्स को पेन ही होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी पेशेंट को साथ में नोशिया, वोमिटिंग, उसको चक्कर आना, हेडेक, डायरिया, इस तरह के सिम्टम्स भी मिलते हैं। और यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लॉटिंग एब्डोमेन यदि होता है उसको, तो और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, तो इस तरह के पेन में और तकलीफ बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। इसमें नंबर 1 पर मेडिसिन होती है मैगफॉस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को पेल्विक रीजन के साथ साथ थाई में भी बहुत ज्यादा पेन मिलता है, और पेशेंट का मेंसेस डेट के पहले थोड़ा पहले आ जाता है। और नंबर 3 क्या होता है कि पेशेंट को हॉट पैड की सिकाई से या एब्डोमेन की जेंटल मसाज से बहुत आराम मिलता है। यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, नंबर 2 पर मेडिसिन आती है सिमिसिफ्यूगा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट के मेंस्ट्रुअल फ्लो थोड़ा ज्यादा होता है और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन के कारण पेशेंट को पेन भी थोड़ा ज्यादा होता है, और महीने के पहले या मेंसेस के पहले पेशेंट का पेन बढ़ जाता है। अब नंबर 3 पर मेडिसिन आती है कॉलोफाइलम। इस मेडिसिन के इतने अच्छे रोल हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, कि इसको विमेन रेमेडी कहा जाता है। दोस्तों, यदि पेशेंट को कमर में और पेल्विक रीजन में महीने के दौरान पेन हो रहा है और वह पेन पूरे शरीर में स्प्रेड हो रहा है, उसको थकान महसूस हो रही है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अब लास्ट में एक मेडिसिन के बारे में जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी, उस मेडिसिन का नाम है जोनोशिया अशोका।
यह मेडिसिन अशोका का जो पेड़ होता है जो हमारे इंडिया में मिलता है उसकी बार या छाल से बनती है दोस्तों। और यह मेडिसिन के रिजल्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर हर पार्ट पर इतने अच्छे हैं कि इसको यूट्राइन टॉनिक भी कहा जाता है दोस्तों। और इसके बेनिफिट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। नंबर वन, जब इरेगुलर मेंसेस होता है और पेशेंट को मेंसेस का फ्लो उतना प्रॉपरली नहीं होता, उसके कारण उसको बॉडी एक होने लगता है, हेडेक होने लगता है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब इसी में नंबर टू, जब पेशेंट को डिस्मेनोरिया होता है, मींस उसको पेल्विक रीजन में, कमर में, पीठ में, थाइस में सीवियर पेन होता है, तब भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। ये टॉनिक का काम करती है और यूट्रस को मजबूत स्ट्रांग बनाती है। अब नंबर तीन क्या होता है, जब यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाता है उसके कारण पेशेंट को बहुत हेवी फ्लो होता है, तब भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है और साथ में पेशेंट थोड़ा एनीमिक भी हो जाता है क्योंकि उसको फ्लो ज्यादा होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करूंगी जिससे पेशेंट के पीरियड की पेन में आराम मिल सकता है। इसमें नंबर वन पर होता है पेशेंट को अपने लोअर एब्डोमेन वाले हिस्से पे और कमर वाले हिस्से पे हीट पेड या सिकाई करना चाहिए। उससे वहां की मसल जो होती है रिलैक्स हो जाती है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे पेशेंट को पेन में आराम मिलता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि जो महिलाएं एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करती हैं, उनको भी लॉन्ग टर्म में इस पीरियड के पेन में आराम देखा गया है क्योंकि वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है एक्सरसाइज के कारण और पेशेंट को पेन में आराम मिलता है। अब नंबर तीन पे बात करूंगी, कुछ फूड अवॉइड करने चाहिए जैसे कि फैटी फूड, सॉल्टी फूड, क्योंकि उसके कारण पेट में ब्लॉटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इससे भी पेशेंट को पेन होता है। और यदि किसी को स्मोकिंग का या फिर कैफीन का एडिक्शन है तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। अब आगे है जेंटल मसाज। यदि किसी को पीरियड्स में पेन हो रहे हैं तो उसकी कमर में, उसके लोअर एब्डोमेन में जेंटल मसाज करने से पेशेंट को आराम मिलता है। पेशेंट को अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए क्योंकि पेशेंट के शरीर में पानी की कमी होने के कारण बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और यूट्रस के जो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इसमें आगे है कि यदि पेशेंट को एक चुटकी जिंजर का पाउडर गुनगुने पानी में दिन में 3 बार दिया जाता है तो पेशेंट के इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम होती है जिससे उसका पेन रिड्यूस हो जाता है। योगा के कुछ पोजेस होते हैं जैसे कि मत्स्यासन, भुजंगासन, बालासन, इससे पेशेंट को अपने दर्द में आराम मिलता है। एक्चुअली होता क्या है, इन आसन को लगाने से पेशेंट के एब्डोमिनल मसल्स और पीठ की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग बनती हैं, इससे कि पेन रिड्यूस हो जाता है। यदि आपको मेडिसिन नहीं लेनी है और विदाउट मेडिकेशन ही अपने डिस्मेनोरिया या पीरियड के पेन को ठीक करना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स करके डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस लाइफस्टाइल में चेंज लाने से आप अपने पीरियड के पेन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके पीरियड के पेन को कम करने में इससे हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।